बिहार में पीएम मोदी के काम से कितने लोग हैं खुश? क्या बिहार में नीतीश कुमार को फिर से मिलेगा मौका? साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए एनडीए को खुलकर वोट किए। यही वजह थी कि बिहार की 40 में से 31 लोकसभा सीटें एनडीए को मिली थी, जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में जनता ने नीतीश कुमार पर अपना विश्वास जताया था। हाल ही में हुए एक सर्वे की माने तो नीतीश से वोटर खुश तो हैं, लेकिन मोदी के मामले में ये समीकरण बदलता दिखाई दे रहा है। दरअसल एक्सिस बाय इंडिया के हालिया सर्वे के मुताबिक बिहार की 33% जनता पीएम मोदी के काम से ना खुश है। केंद्र में कामकाज की बात करें तो सूबे की करीब 31% जनता थोड़ी संतुष्ट है। थोड़ा असंतुष्ट वालों की संख्या 6% है। 33% जनता असंतुष्ट है। 8% लोग इस सवाल पर अभी पता नहीं का जवाब दे रहे हैं, जबकि 20% बिहारी ही केंद्र सरकार के कामकाज से खुश है। वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो 48% जनता अभी भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। 25% लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सुशील कुमार मोदी महज 6% लोगों की पसंद है, जबकि 1% जनता एक बार फिर से राबड़ी देवी को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य में मुख्य रूप से महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला था। महागठबंधन में 3 पार्टियां जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस शामिल थी। वहीं एनडीए में 4 पार्टियां बीजेपी, एलजेपी, आरएलएसपी और हम शामिल थी। महागठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार थे। वहीं एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री के तौर पर किसी का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। नीतीश एक बार फिर से सूबे के सीएम बने, लेकिन इस सर्वे में जिस तरह की बातें सामने आ रही है वो केंद्र की मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। इंडिया न्यूज़ भारत की रिपोर्ट।